अखिल भारतीय बैंक ऑफ महाराष्ट्र के इस राष्ट्रीय अधिवेशन के हेतु देश के कोने कोने से यहाँ उपस्थित हुए बहन और भाइयों, जब आपने अभी ताली बजाई तो मुझे अच्छा लगा। इसलिए नहीं कि ताली मेरा नाम लेने के बाद बजाई थी, मुझे अच्छा लगा कि आपके हाथ अभी भी काम कर रहे हैं और इन हाथों की बहुत ज़रूरत है। एक शोले नाम का सिनेमा था, उसमें ये हाथ मुझे दे दे, वेंकटाचलन साहब ने आपको कहा है ये हाथ आप उनको दे दीजिए। सर, आपका लेक्चर इतना इंस्पायरिंग था और इतना कॉम्प्रिहेंसिव था, सभी अंगों से, सभी पहलुओं से आपने जिस संघर्ष का और जिस संकट का वर्णन किया है, वो सुनने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ उपस्थित हर कोई डेलीगेट, और जो डेलीगेट नहीं है लेकिन केवल सुनने वाले आए हैं, जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नहीं है, नागपुर के मेहमान आए हैं, शायद कोई आरएसएस के भी मेहमान आए होंगे, वो भी इंस्पायर होके यहाँ से जाएंगे। मुझे बड़ा गर्व है, बड़ी खुशी है कि देवीदास तुलजापुरकर साहब ने इस नाचीज को इस इज्जत का माना कि मैं आपका प्रमुख मेहमान हो सकता हूँ, क्योंकि आपके लिए, नागपुर के लिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए और हमारे देश के लिए ये जो आज सभा हो रही है वो बड़ी इतिहास में महत्व की गिनी जाएगी, इस प्रकार की है। नागपुर का महत्व तो बहुत ही है, उन्होंने कहा, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने यहाँ बुद्ध धम्म की दीक्षा स्वीकारी, उन्होंने हमें जो संविधान दिया वो संविधान हमारे देश के लिए एकमात्र सबसे बड़ा धर्म है और वही आज खतरे में है। संविधान जो धर्म है वही आज खतरे में है। नागपुर में बाबा साहेब अम्बेडकर को पता था कि कहाँ से इसको खतरा पैदा होगा, इसलिए नागपुर का चयन उन्होंने किया था। लेकिन नागपुर और एक अर्थ में भी बड़ा महत्वपूर्ण है। हाँ, मैं संतरियों की या मंत्रियों की नहीं बात कर रहा हूं, मैं पूरे दुनिया की तरफ देख के, देखिए कुछ 900 करोड़ हमारी लोक संख्या पूरे दुनिया में है। 2011 में इस देश के वासियों की संख्या, तादाद 121 करोड़ थी, लेकिन आज 2019 में ये तादाद 133 करोड़ हो गई है, और शायद आने वाले 3-4 सालों में हमारी लोक संख्या दुनिया के अन्य किसी भी देश से सबसे बड़ी होगी। और इस देश का केंद्र बिंदु संख्या के दृष्टि में भारत दुनिया के मध्य में है, और भौगोलिकता से भारत के मध्य में नागपुर शहर है। इसलिए आज और कल, इन दोनों में, ये दो दिनों में आपकी जो चर्चाएं होगी, जो विमर्श होगा, जो मसले मिलेंगे, जो निर्णय करेंगे, जो निर्धार करेंगे, ये सभी दुनिया की तकदीर बदलने वाले निर्णय होने चाहिए। ये केवल न प्रमोशन से जुड़े,
हाँ, प्रमोशन बहुत जरूरी है, न केवल सिक लीव से जुड़े, वो बहुत जरूरी है, लेकिन दुनिया के तकदीर से जुड़े निर्णय भी यहाँ से होना जरूरी है। मैं मानता हूँ ये आप जरूर करने वाले हैं, ये आपने कॉमरेड तुलजापुरकर और कॉमरेड वेंकटचलन ने जो बात की उससे मुझे बहुत भरोसा हो रहा है, विश्वास है कि आपके निर्णय दुनिया की तकदीर बदलने वाले निर्णय होंगे। अब आप कहेंगे कि साहब आप तो लिटरेचर के आदमी हैं और आपको बोलने की आदत है इसलिए आप ये कह रहे हैं। मैं आपको इसके बारे में कुछ समझाना चाहता हूँ। हाँ, ये सच है कि मैं साहित्य और भाषा का हूँ और बैंकिंग मेरा विषय नहीं है, बल्कि मेरी आर्थिक स्थिति भी इतनी नहीं कि बार बार मुझे बैंक में जाना पड़ता है, और लोन लेने से मैं बहुत डरता हूँ क्योंकि मैं लोन वापिस नहीं दे दूँ तो जेल में जाना पड़ेगा। ऐसे में एक सामान्य नागरिक होने के नाते आज तक समझते आया हूँ, लेकिन अभी अभी मुझे पता चला है कि ज़्यादा लोन लेने से कम सजा हो सकती है। लेकिन भाषा ये भी एक करेंसी है, इट सर्कुलेट्स, लैंग्वेज सर्कुलेट्स इन द सोसाइटी एंड कीप्स द सोसाइटी टुगेदर। कम्युनिटी का अर्थ क्या है? ऐसे लोग जो कम्युनिकेशन करते हैं उसको कम्युनिटी कहते हैं। भाषा कम्युनिटी को कम्युनिटी रखने के लिए जो चलन की व्यवस्था है उसे भाषा कहते हैं। सो यू आर डीलिंग विथ वन काइंड ऑफ करेंसी, आई एम डीलिंग विथ अनदर काइंड ऑफ करेंसी। इसलिए हम समान धर्मी है, हम सहोदर है, हम एक ही विषय के लोग हैं। और तो और मैं अगर अपनी भाषा में कहूँ तो आप भी अर्थ के साथ जुड़े हैं और मैं भी अर्थ के साथ जुड़ा हूँ। लेकिन मैं शुरुआत करता हूँ इसी शब्द का जो अन्य अर्थ है एक दूसरी भाषा में उसके साथ। इसी अर्थ शब्द का अंग्रेजी भाषा में अर्थ होता है पृथ्वी, प्रकृति, कुदरत। इस साल के आरंभ में दुनिया के बहुत जाने माने वैज्ञानिक इकट्ठा हुए और उन्होंने तय किया कि एक एंथ्रोपोसिनी नाम की चीज की शुरुआत हुई है। इसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। यह एंथ्रोपोसिनी क्या है? तो एंथ्रोपोसिनी एक नया युग है। यहां जो मराठी बोलने वाले मराठी माणूस आई था, हाँ, जय महाराष्ट्र, जय भारत, जय जगत। इरावती कर्वे ने, जो मराठी बोलने वाले उनको ये किताब परिचित होगा, इरावती कर्वे समाजशास्त्रज्ञ थे, उन्होंने युगांत नाम की किताब लिखी है। महाभारत का उदाहरण लेके, महाभारत में पहले पेस्टोरल नोमैडिक लोगों का युग था, वहाँ से जाके किसानों का युग कैसे शुरू हुआ, उसकी वो किताब है। ये एंथ्रोपोसिनी नए युग की शुरुआत है ऐसे साइंटिस्ट मानते हैं, और उनका ये मानना है कि जब पृथ्वी पे इंसान का भार, बोझा हद के बाहर बढ़ने का युग आया, वो युग ये है, उसका आरंभ हो चुका है। मैं आपको ये कहना तो शास्त्रज्ञों का है, मेरा नहीं है। और आप जानते हैं कि जिस महाराष्ट्र में हम इकट्ठा हुए आज, उसी महाराष्ट्र में एक तरफ बहुत बड़ी बाढ़, महापूर, जिसमें हजारों लाखों लोग बेघर भी हो गए और सैकड़ों लोग मर भी गए और हजारों आज भी रास्ते पे ही पड़े हैं, एक तरफ वो, और दूसरी तरफ और कोई विदर्भ में या मराठवाड़ा में सूखा पड़ा है।
ये बाढ़ और सूखा एक ही साथ आने का युग, एंथ्रोपोसिन, जब इंसान ने पृथ्वी पे बहुत ही हद के बाहर ज्यादा अत्याचार मचाया है। मैं आपके सामने अर्थ पृथ्वी के बारे में ये बात इसलिए रखना चाहता हूं कि पिछले 40-50 सालों में दुनिया में विकास के नाम, प्रगति के नाम दो छवि या दो चित्र, दो कल्पनाएं बार बार आने लगी है सामने। एक, अगर आप हंसना, आप अगर न हंसने का प्रॉमिस दे तो मैं पहली कल्पना की बात करता हूं। ये पहली कल्पना ऐसी है जिसमें हर इंसान को, जो 900 करोड़ इंसानों की बात मैंने की, उसमें से हर एक को सीमा विहीन अनलिमिटेड एनर्जी मिलेगी। इसका थोड़ा स्पष्टीकरण मैं देता हूं। कुछ 1960s में एक रशियन एस्ट्रोनॉट ने विकास की परिभाषा बनाई थी कि आप किसका कितना कद है, उस पे किसका कितना वजन है, किसको किसके घर में कितने गैस सिलेंडर है, कितने फ्रिज है, कितने टीवी है, इस पे विकास मत गिनिए, लेकिन किसको कितनी एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, उस पे विकास की परिभाषा कीजिए। और पूरे दुनिया में धीरे धीरे जो वैश्विक मंच है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, उन्होंने ये परिभाषा स्वीकारी। जब ये शुरू था तब एक साइंटिस्ट अमेरिका में थे, डायसन नाम के, मैथमेटिशियन थे। उन्होंने एक कैलकुलेशन किया और वो कैलकुलेशन था कि मैक्सिमम इंसान को कितनी एनर्जी मिल सकेगी, कितने रिसोर्सेस हमारे पास है। अब उन्होंने जो ये कैलकुलेशन किया था, मैथमेटिकल मॉडलिंग किया था, उसमें उन्होंने गिनती की थी कि अगर सूरज से आने वाला पूरा का पूरा प्रकाश हम कैप्चर कर सके, उसको बंद कर सके, कोई लॉकर में हम रख सके, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लॉकर में जाके रख सके, तो उसकी एनर्जी कन्वर्शन कितनी होगी। अब ये तो केवल कल्पना थी और इस साइंटिस्ट का नाम था डायसन। तो उस डायसन के कल्पना के आधार पे और किसी ने एक डायसन शेल की कल्पना की है। ये डायसन शेल, डायसन का कवच, जैसे कर्ण को होता था कवच और कुंडली कवच, ये डायसन शेल कुछ पृथ्वी के ऊपर 10-15 हजार किलोमीटर पे इंफ्रारेड लाइट से बना होगा और वो जो तुलजापुरकर सर ने कहा कि रिमोट कंट्रोल से सरकार चलती है, तो रिमोट कंट्रोल से सरकार चलती है, रिमोट कंट्रोल से डायसन शेल खुलेगा और बंद होगा और उसमें सूरज का प्रकाश जकड़ा जाएगा और उससे एनर्जी मिलेगी और इतनी मिलेगी कि आज मेरी बात सुनते सुनते अगर आप चाहे तो आपके हाथ के कोई मशीन से आप मार्स पे जा सकेंगे, मंगलयान या चंद्रयान, वहाँ चाय कॉफ़ी पी के वापिस आ सकेंगे। ये विकास के एक कल्पना की छवि मैं आपके सामने रखता हूँ। और बहुत सारे लोग ऐसा मानने लगे हैं कि यह अपरिमित असीमित विकास होते ही रहेगा, उसकी कोई सीमा नहीं, कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो मानते हैं वो बहुत चंद लोग हैं। लेकिन दुनिया के पूरे दक्षिण में, साउथ ऑफ द वर्ल्ड, द ग्लोबल साउथ,
जो गरीबों की दुनिया, जिसके बारे में मेरे जमाने के एक एक्टर होते थे गुरुदत्त, उन्होंने कहा था जला दो जला दो जला दो ये दुनिया, प्यासा, जो प्यासे है, तरसे है, भूखे है, जिनके बच्चों को स्कूल में एडमिशन मिलना संभव है बुद्धि के आधार पे, लेकिन उनके जेब के आधार पे नहीं मिल रही है, ऐसे लोगों को इस प्रकार के विकास से कोई मायने नहीं है, न उनके तकदीर में ऐसी लकीर लिखी है, न उनके घर में इसकी कोई गुंजाइश है, न उनके दिल में इसकी कोई तमन्ना है। वो दुनिया के लोग, द ग्लोबल साउथ, जो 900 करोड़ में से 650 करोड़ से भी ज्यादा है संख्या में, यानी सबसे ज्यादा संख्या में है ऐसे लोग, ये सोच रहे हैं कि अगर इसी तरह के विकास की परिकल्पना से अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं चलती रहेगी और दुनिया के बहुत सारे देशों की सरकारें चलती रहेगी तो हमारे लिए तो खाक हुई पृथ्वी ही रहेगी। हमारे हाथ में तो केवल एक रस्सी मिलेगी जिससे अगर मैं किसान हूं तो मुझे फांसी का फंदा लेना है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा, बल्कि एक अंगूठा है, अंगूठा है। पुराने समय में किसी गुरु ने, किसी चालाक गुरु ने यह अंगूठा छाट के लिया था मेरा। अब इस समय के चालाक गुरु इस अंगूठा को ईवीएम दबाने के लिए इस्तेमाल कर रहे। जिससे सत्ता उनके पास रहे। आप जानते हैं कि ईवीएम का क्या बोलाबाला है, जमाना ईवीएम का है, सच्चाई का नहीं है। 650 करोड़ लोग, जिसमें से ज्यादा हमारे देश के हैं, इन जैसे लोगों के सामने आज एक बड़ा संघर्ष है। मैं ये गरीब और अमेरिका संघर्ष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोई अन्य संघर्ष की बात कर रहा हूं, और उस संघर्ष की रूपरेखा आपके सामने रखना चाहता हूं। आप सब टीवी देखते हैं, बल्कि टीवी में देखने जैसा कुछ भी नहीं बचा है, वही समाचार आते हैं। मैं रात को 11 बजे मैं पहले सुबह 5 बजे उठता था, रात के 11 बजे सोता था, विविध भारती सुनते सुनते, विविध भारती के 11 बजे के समाचार आते हैं और उसमें 5 मिनट समाचार चलते हैं। मैं पिछले 4-5 साल से उब गया हूँ कि उस 5 मिनट में मैं जब सोता हूँ और मैं ऐसी कल्पना करता हूँ कि अच्छे सपने देखूँ, 15 बार प्रधानमंत्री का नाम आता है, इसलिए मैंने वो समाचार सुनना बंद किया है, क्योंकि मेरे सपने में भी वो डराने के लिए, मेरे सपने में मुझे कभी कभी आता है सपने में कि मैं ही पहलू खान बन गया, मुझे लगता है मैं ही कलबुर्गी बन गया, मैं ही गौड़ी हूँ, मैं ही दाभोलकर, सपने में आने लगा। अब मेरा उसमें क्या दोष है? सपने, मेरी एक दीदी थी, महाश्वेता देवी नाम था उनका, बहुत अच्छी बंगाली लेखक थी, उनके साथ मैंने 20 साल मिलके काम किया। वो हमेशा कहती थी, गणेश, मेरा नाम गणेश है, मुझे कहती, गणेश सबसे बड़ा अधिकार सपने का अधिकार होता है, सपने देखने का, हर एक को सपने देखने का अधिकार होना चाहिए। पिछले 5 साल में मैं जब सोता तो मुझे दीदी के शब्द याद आते थे और मैं सोचता कि सपने पे भी मेरा अधिकार नहीं बचा है, और सपने अभी कॉमन प्लेस में किसी के मन की बात से, जैसे ये गुब्बारे हैं, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होने लगे हैं, बहुत रंगी बेरंगी सपने आपके सामने रखे जा रहे हैं। लेकिन ये बात केवल हमारे देश की नहीं है, यही बात इजिप्त में हुई, यही बात टर्की में हुई है,
यही बात स्पेन में हुई है। स्पेन में अप्रैल में इलेक्शंस हुए, लगभग हमारे साथ साथ ही, और वहां अल्ट्रा राइट को इतनी सीट्स मिली जिसके जाते वहां सरकार रचना असंभव बना, अगर वो राइट के मदद से सरकार ना बनाए। अल्ट्रा राइट, अल्ट्रा राइट, उसका एक विकराल अकराल भस्मासुर का रूप पूरे दुनिया को अपनी छाया से परेशान करने लगा है। ये अल्ट्रा राइट यूरोप में आया है। इटली में 27 अप्रैल, ये डेट बहुत इम्पॉर्टेंट है, 27 अप्रैल को दूसरे महायुद्ध के बाद मुसोलिनी को इटली के लोगों ने रास्ते में पकड़ के मारा था, क्योंकि फैसिस्ट था, बहुत विध्वंस किया, बहुत इंसान को परेशान किया, घृणा फैलाई, तिरस्कार फैलाया, अननेसेसरी बिन जरूरी हिंसा फैलाई। 27 अप्रैल को मुसोलिनी को मारा था लोगों ने, इसलिए 27 अप्रैल ये इटली का आजादी का दिन माना जाता है, जैसे हमारे यहां 15 अगस्त। इस साल 27 अप्रैल को मिलन नाम का जो शहर है, बहुत सुंदर शहर है, प्राचीन शहर है, नागपुर जैसा प्राचीन सुंदर पवित्र शहर है, उस मिलन शहर में जहां मुसोलिनी को मारा था उसी जगह पे इटालियन युवाओं ने परेड निकाली, और हाथ में मुसोलिनी के पोस्टर थे, और उसको उन्हीं के फैसिस्ट स्टाइल में वो सैल्यूट करके मुसोलिनी के नाम के गाने को बैंड पे बजाते परेड में निकले थे। क्योंकि ये जैसे हमारे यहाँ गांधी जयंती 2 अक्टूबर, आप नहीं 30 जनवरी गांधी को जिस दिन मारा, हमारे देश में किसी ने गांधी की छाया चित्र बना के उस पे रेड कलर से पिस्तौल दबा के उसका डेमोन्स्ट्रेशन दिया, फिर से खून निकालना चाहते हैं, फिर से खून बहाना चाहते हैं, फिर से हत्या करना चाहते हैं, फिर से राइट विंग अल्ट्रा राइट दुनिया को परेशान करना चाहती है। क्योंकि लेफ्ट ने जो सपने लाए थे वो सपने उन्हें पसंद नहीं है। ये कौन से सपने थे जो इनको पसंद नहीं है? सीधे सीधे शब्द है, 3-4 शब्द है, आप सोचिए। खतरा आपको मेरे को नहीं है, न तुमको न मुझको, खतरा इन 3-4 शब्दों को है। पहला शब्द है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। दूसरा शब्द है समानता, इक्वालिटी। तीसरा शब्द है रीजन, सोच, आइडियोलॉजी। और चौथा शब्द है डाइवर्सिटी, विविधता। एक एक शब्द को नजदीक से देखे हमारे समय में उसका अर्थ क्या होता है। मैंने कहा कि अर्थ ये विषय आपको और मुझे जोड़ता है। चलो देखे 2019 में इन 4 शब्दों का अर्थ क्या होता है। लोकशाही, लोकशाही, लोकतंत्र का मतलब मुसोलिनी और हिटलर के लिए वो तरीका था जिसके सहारे वो ऊंचे स्थान पे जाके बैठे, लेकिन एक बार वहां जाके बैठने के बाद उस सीढ़ी का कोई उपयोग नहीं था। आप कल्पना कीजिए, अगर हमारे देश में ऐसे कोई प्रधानमंत्री बनते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करके चुनाव का इस्तेमाल रास्ते उस पद पे पहुंचे हैं, लेकिन वहां पहुंचने के बाद न जुडिशियरी का कोई उनको यूज है। आप तो जानते हैं मिस्टर
लोया को, जस्टिस लोया को कौन से गांव में मारा गया था? कुछ उसका पता चला? कोर्ट के एक जज को मारा गया, किसने मारा, कैसे मारा, उसकी तलाश हो सकती है क्या? उसकी इंक्वायरी संभव है क्या? क्या कोई और जज ये इंक्वायरी करेगा, या वो काम छोड़ के चला जाएगा? जुडिशियरी नमी है, इलेक्शन कमीशन में बहुत कुछ कमी है। कितनी भी गुस्ताखी करने से इलेक्शन कमीशन को गुस्सा नहीं आता है इनके लिए। ये तो केवल इलेक्शन कमीशन, जुडिशियरी, ये मैं दो, हर संस्था जो कॉन्स्टिट्यूशन से बनी है। आपने कहा बाबा साहेब अंबेडकर, नागपुर, संविधान। संविधान ये कोई कागज पे प्रिंट किए हुए शब्द तो नहीं है, संविधान एक व्यवस्था है, एक पूरी फ्रेम है। उसके अंदर डायनामिक रहने की एक क्षमता है। वो डायनामिज्म, डायनामिक रहने के लिए उसको कोई आधार व्यवस्था जरूरी होती है। उसमें बहुत सारे कमीशंस, बहुत सारी व्यवस्थाएं, लोकपाल अभी आया, यूपीएससी, यूजीसी, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या हाल है? आप तो बैंक के, आप बताइए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेफ है क्या? क्या उसकी इज्जत, डिग्निटी बची है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन को जिस आधार पे खड़ा किया गया, उस हर आधार पे अटैक करना, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स है, हर आर्टिकल का अपना इतिहास है, उसके पीछे बड़ी चर्चा है, 4 साल की चर्चा, 1946 टू 1949 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। एक एक आर्टिकल बनाते बनाते पीछे इतिहास है, बहुत बड़े संघर्षों का, चर्चा का, विमर्श का, विचारों का। अब 300 कैरम खेलते, आप कैरम जानते हैं? कोई ऐसा टिकली उड़ा दिया, उसका नाम था 370। एक दिन गृहमंत्री आए सुबह 11 बजे, 370 था, दोपहर के 1:30 बजे 370 चला गया, कैरम का खेल खत्म। ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खेल हमारे देश में है, और इसी तरह का खेल स्पेन, इटली, फ्रांस, ब्राजील, तुर्की, इजिप्त, आप नाम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये हो रहा है। लोकशाही, इस शब्द का अर्थ आपके जमाने में, मेरे जमाने में बहुत विचित्र रूप में, विपरीत रूप में बदल रहा है। दूसरा शब्द मैंने कहा था समानता। फ्रेंच राज्य क्रांति में ये शब्द आया था, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी, और पिछले 200 साल में पूरे दुनिया में बहुत सारे हुतात्मा बने, इक्वालिटी मिले इसके लिए, स्त्रियों ने अपने संघर्ष रचे, इक्वालिटी मिले इसके लिए, मजदूरों ने संघर्ष खेले, वो हुतात्मा बने, इक्वालिटी मिले इसके लिए, नागरिकों ने सरकारें लाई, सरकारें गिराई, इक्वालिटी मिले इसके लिए। हर मानव, हर नागरिक समान है, इस धारणा पे तो सभ्य समाज, आधुनिक विश्व बना है। सिविलाइज सोसाइटीज आर बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इनेट इनवायलेबल नेचर ऑफ इक्वालिटी, द आइडिया ऑफ इक्वालिटी। वो निगोशिएबल नहीं है, नॉन निगोशिएबल है, हम सब समान होने चाहिए। लेकिन अमेरिका में स्पैनिश लोग अमेरिकन नागरिकों से कम इक्वल बने हैं, उनके बीच में दीवार डालने की बात शुरू है।
हमारे देश में आसाम में रहते मुस्लिम हमारे देश के हिंदुओं से कम इक्वल बनाए जा रहे हैं। कश्मीर के, लद्दाख के और जम्मू के कुछ लोग ज्यादा इक्वल बनाए गए, कुछ लोग कम इक्वल बनाए गए। इक्वालिटी ये गंदा शब्द बना है, उसको हर जगह से ठोक, हर राज्य व्यवस्था से, दुनिया के हर राज्य व्यवस्था से ठोकरे दी जा रही है। हम मानते थे कि यह पवित्र शब्द है, लेफ्ट, पूरा लेफ्ट दुनिया का, इक्वालिटी ये किसी भी धर्म से, किसी भी सत्य से, किसी भी ईश्वर से ज्यादा महत्व का शब्द मानती थी। लेकिन उस शब्द को अब ट्रैश, गंदगी में, फेंकी हुई चीज में रूपांतरित किया गया है। खुले बाजार में एक एक प्रॉफिट, नफा, हिंदी में नफा ही कहते हैं ना, प्रॉफिट को क्या कहते हैं, लाभ, एक लाभ का, प्रॉफिट का खुला जंगल है, या तो फुटबॉल का ग्राउंड है, और वहां जिसको भी जाना है, जिसके पास ज्यादा ताकत है वो ज्यादा गोल्स बनाएगा, और जिसके पास ताकत नहीं वो किनारे बैठे रहेगा। उस जंगल में जिस जानवर के पास ज्यादा ताकत है वो शिकार करेगा, और जिसके पास नहीं वो शिकार बन जाएगा। ऐसे जंगल में, प्रॉफिट के जंगल में दुनिया को ढकेलने में आया है। ग्लोबलाइज इकोनॉमी से हम समझते थे हमें ज्यादा चॉइसेस मिलेंगे। मैं पहले एक ही प्रकार का सोलापुर का चद्दर इस्तेमाल करता था, उसकी जगह मेरे पास बहुत सारे रग्स और ब्लैंकेट्स और आने लगेंगे। लेकिन बाद में जाके देखा कि लोकल वैरायटीज तो कम हो गई, लेकिन डाइवर्सिटी बड़ी नहीं। डाइवर्सिटी पे अटैक आने लगा। हमारे यहाँ की भाकरी और चटनी गुम हो गई, उसकी जगह पिज्जा आया, एक कंपनी का पेय आया, एक ही जैसे हम बर्ताव करें, इसके प्रेशर्स हर जगह से आकर्षण हमारे पे थोपने लगे लोग। डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, डाइवर्सिटी, इन तीनों शब्दों के सबसे बड़े दुश्मन बने हैं आज की सरकारें पूरी दुनिया में। और इन तीनों शब्दों के साथ दुश्मनी रखने वाली सरकारें समाज को ऐसे गंदे विचार ही ना आए, इक्वालिटी का, उनकी नजर से गंदी सोच, इक्वालिटी का, डाइवर्सिटी का, डेमोक्रेसी का, इसके लिए एक विशिष्ट प्रकार की सोच थोपने की बहुत बड़ी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अपने बैंक प्राइवेटाइजेशन की बात की, और आपको कितना दुख होता है, सीने में दर्द होता है आपको कि प्राइवेटाइज हमारी बैंक हो जाए तो हमारा क्या होगा। लेकिन मैं यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ इंसान हूँ, व्यक्ति हूँ, हमारे देश के सभी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को प्राइवेटाइज करने की होड़ लगी है। आज देश में 700 यूनिवर्सिटीज है, लेकिन 65,000 प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, 65,000 एज अगेंस्ट 700 स्टेट यूनिवर्सिटीज। हमारे शिक्षा मंत्री, कभी कभी तो मैट्रिक भी पास नहीं आए ऐसे व्यक्ति को बिठाया गया था, अब उनको कपड़े में या कहीं भेजा गया, वो बात अलग है। एक ग्रेजुएट व्यक्ति रिसर्च फंडिंग कैसा हो इसके बारे में निर्णय करेगी। साइंस, आप थोड़ा सोचिए, यह बहुत गंभीर मुद्दा है, क्योंकि यह आपके साथ जुड़ा नहीं, आपके बच्चों के साथ जुड़ा है, उनके बच्चों के
भविष्य के साथ जुड़ा है। हमारे देश का साइंस फंडिंग नियर जीरो स्टेज पे आया है, नियर जीरो। कोई भी साइंटिफिक रिसर्च करना साइंटिफिकली संभव नहीं है, रेटोरिकली संभव है कि गाय के मूत्र में कितना सोना मिलता है। गोल्ड इज नॉट डिसोल्युबल इन वाटर, दैट्स अनदर थिंग साइंटिफिकली। लेकिन बहुत ही पागल जैसा कोई रिसर्च पूरा बंद कर दिया, कोई सवाल पूछे ये रास्ते बंद कर दिए। जो स्कूल में पढ़ाया जाएगा उसमें कुछ तोड़ मरोड़ कर इतिहास बिठा दिया, कुछ ऐसी श्रद्धाएं, कुछ जिसको कोई भी तर्क का आधार ना हो, ऐसे सोच आपके बच्चों के स्कूल में लाई। क्योंकि ये नहीं चाहते कि आपके बच्चे पढ़े, ये इतना ही चाहते हैं कि आपके बच्चे जब भी वो कहेंगे कि लोकशाही खराब है, हाथ ऊंचा करें। जब भी वो कहेंगे डाइवर्सिटी खराब है, हाथ ऊंचा करें। जब भी वो कहेंगे इक्वालिटी आपका दुश्मन है, तो वो हाथ ऊंचा करें। और ये बच्चे हाथ ऊंचा कर रहे हैं। पूरी दुनिया में ये संघर्ष शुरू है। मैंने आपको कहा था जिस हाथ से तालियां बजाई वो हाथ है, इसकी बड़ी खुशी होती है। इन हाथों की जरूरत है। ये हाथ इक्वालिटी गंदी है ऐसा कोई कहे तो ऊंचा नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका धिक्कार करने के लिए हमें समानता चाहिए, हमें अधिकार चाहिए, हमें नागरिकत्व का हर अधिकार चाहिए, हमें हमारा लोकतंत्र संभाल के रखना है, उसकी इंस्टीट्यूशंस को हमें जतन करना है। ये सब देश, ये सरकारें ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि जो चंद चुने गिने लोग हैं, जो किसी कोई एयरलाइंस की बात की, बहुत सारी कंपनियां, कॉरपोरेट्स, जो प्रॉफिटियर्स, जो सरकार को, सरकार इनको जमीन देती है, वो जमीन दिखा के आपके पास से वो लोन लेते, वो लोन वापस नहीं करते, वो पैसे मेरे होते, वो पैसे लेके गुम हो जाते हैं। ऐसे सारे लोग सोच रहे कि एक दिन पृथ्वी मर भी जाएगी तो ये और कोई अन्य ग्रह पे जाके डायसन शेल के सहारे बैठेंगे और नई दुनिया बनाएंगे, वो भगवान जैसे बनेंगे, उनका पूरे कॉस्मॉस पे कंट्रोल होगा। बट वी बिलोंग टू द अर्थ, आवर फीट आर ऑन द ग्राउंड। आज हमें ये जरूरत है कि आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र के यूनियन में काम करें, और जरूर जरूर आपके प्रमोशन, आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस, सेफ्टी ऑफ द बैंक्स उसके लिए करें। लेकिन ये पूरे दुनिया का सवाल है, उसके साथ जुड़ा आपका भी मसला, आपका भी इशू है, मुद्दा है, ये कभी मत भूलिए। आपके बैंक के प्रॉब्लम्स बैंक के बाहर भी उसी तरह से समाज के सभी अन्य हिस्सों को सहन करना पड़ता है। इसलिए आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी होना आपके लिए बड़ा जरूरी बना है। और अगर इस संघर्ष में आप द साउथ, द ग्लोबल साउथ की बाजू न ले, लोकतंत्र की बाजू न ले, समानता की बाजू न ले, विवेक की बाजू न ले, तो आप भी मेरे जैसे सपने देखने का अधिकार भी खो बैठेंगे, और फिर केवल हाथ ऊंचा करने वाली जनता, वो जनता जो हाथ इसलिए ऊंचा करती है क्योंकि कुछ लोग इस जनता का कोई भी दुख, कोई भी दर्द, उसके लिए सहानुभूति न रखने वाले लोगों के ही प्रगति के लिए, विकास के लिए हम हाथ ऊंचा कर रहे। वी मस्ट थिंक अबाउट द वर्ल्ड, वी मस्ट थिंक अबाउट द अर्थ, वी मस्ट थिंक अबाउट द सोसाइटी। द कॉस्मॉस, द अर्थ, द सोसाइटी आर ऑल
रिलेटेड विथ व्हाट यू आर डूइंग। और मैं अंतिम एक वाक्य बोल के अपनी बात पूरी करूंगा। महात्मा गांधी ने ये कहा था कि बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। अगर आप आपकी अंदर आपके दिमाग में आपके बर्ताव में आपके सोच में आपके फैमिली में आपके इर्द गिर्द के कम्युनिटी में अगर ये डेमोक्रेसी इक्वालिटी रीजन डाइवर्सिटी इन शब्दों का प्रतिपादन डिफेंस नहीं करेंगे तो आपका किसी भी प्रकार का संघर्ष छोटे दायरे में करेंगे तो उस संघर्ष का कोई मायने नहीं कोई अर्थ नहीं कोई अर्थ नहीं। आप अर्थ के साथ जुड़े लोग इस दुनिया के भविष्य का नया अर्थ में लिखना शुरू करने के लिए इकट्ठा आके कॉमरेड तुलजापुरकर का पूरे संगठन का ऑल इंडिया बैंक्स एम्प्लॉयज एसोसिएशन का अक्टूबर में आने वाले एक महामार्च का समर्थन अपनी जान लगा के अपने तन मन धन से करना चाहिए। दुनिया बदलने का ये क्षण है मौका है और आपको ये करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां आपको माफ तो नहीं करेगी, इसका भी सोचिए। धन्यवाद। थैंक यू।